कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी ना जानिया कोए ऐसे मरने जो मरा बहुरना मरना हुए कबीर जिस मरने ते जग डरा मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइया पूरण परमानंद मरने ही ते पाइया पूरण परमानंद जुगो जुग अटल चवर तख्त छत्र दे मालक वालिए कुल आलम सरवरे कायनात समुची कायनात जे जगत गुरु रूहानी ज्ञान दे मुजस्मे लोक परलोक दे रखिक दीन दुनी दे पातशाह शब्द गुरु धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी सतगुरां जी की बड़ी महान कृपा बख्शिश रहमत होई है जो असी सारे ही अमर शहीद शहीद बाबा दित मल सिंह जी जिन्हां दे पावन अस्थाना ते बैठ के सतगुरां जी की पावन गुरबाणी पावन गुर इतिहास नूं सरवण करके अपनी जिंदगी नूं अपने स्वासां नूं अपने समय नूं बेशकीमती बना रहे हां। मेरे तो पहला बहुत ही सत्कारयोग सरदार सतपाल सिंह जी एम ए जिन्ना ने बड़े सोहने ही लफ्जां दे नाल बड़े सोहने ढंग दे नाल आप सरबत संगतां नूं सानू सारिआं नूं गुरु के पावन इतिहास दे नाल जोड़न दा जतन कीता है। आओ तकरीबन 10-15 मिंट वास्ते सतगुरां जी दे शब्द विचार दे नाल जुड़न दा जतन करिए मन बिरतियां नूं एकागर चित करिए बड़े प्रेम सत्कार अदब भावना दे नाल सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां दा पावन अस्थान है और गल भी शहीदां दी ही होनी चाहीदी है। असल विच जिहड़ा साडा भारतीय दर्शन है जिहड़ी साडी इंडियन फिलोसफी है उहदे विच शहीद लफ्ज़ नहीं मिलदा। उहदे विच तुहानूं शहीद लफ्ज़ नहीं मिलेगा क्योंकि जिहड़ा शहीद शब्द दी जदों खोज कीती जांदी है ते इहदा जिहड़ा इह अरबी भाषा दा शब्द है क्योंकि जिहड़े अरबी लोग सन ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ।
महाभारत का युद्ध होया कुरुक्षेत्र की धरती के उत्ते उहदे विच भी इसतरी का अहम रोल है। पर शहीद लफ्ज नूं जिहड़ी पाण है, शहीद लफ्ज नूं जिहड़ी रंगत दित्ती है, वह गुरु के सिखां ने, गुरु के सूरम्यां ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी बाणी दे विच समझाउंदे ने। गुरु नानक साहब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक राग आउंदा है, राग मलार। उहदे विच सतगुरु जी ने पहलवाना की गल कीती है। महाराज जी समझाउंदे ने, क्योंकि मैं जिन्नी भी विचार करांगा गुरु की बाणी विचों, गुरु के इतिहास विचों करांगा। सतगुरु जी ने समझाया है भी असल दे विच असली घोल की है, असली जंग की है। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच तकरीबन 22 वारां मिलदियां ने। पुराने समयां दे विच लोक जदों कोई सूरमा जिसने किसी दे पर उपकार वास्ते कोई शहीदी दित्ती जांदी सी, क्योंकि शहीद उही है जिहड़ा किसी सिद्धांत वास्ते, किसी मजलूम वास्ते, धर्म वास्ते अपना आप कुरबान कर देवे, उन्हूं शहीद प्रवान किया जाता है। जदों किसी समय पुराने समया पुरातन समया दे विच कोई सूरमा चढ़ाई कर जाना, कुरबान हो जाना, तो उहदे संबंध में वारां गाईआं जांदियां सन। वार दा वार दे बहु अर्थ ने। एक वार हुंदा है भी जिवें असीं कहिंदे अज की वार है, एक वार हुंदा है भी पाणी वारना, वार दे बहु अर्थ ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब दे तकरीबन 22 वारां मिलदियां ने, ते इन्हां वारां दा जिहड़ा असल अर्थ है मनुख दा अपने मन तो उपर उठना, मन तो पार उठना। महाराज जी ने एक राग मलार है, उहदे विच मलार दी वार उचारण कीती है। सतगुरु जी ने उदाहरण दुनियावी लई है। महाराज ने कहा जिवें पुराने समय में छिंजां पैंदियां हुंदियां सन, अखाड़े मल्ले जांदे सन, उस अखाड़े दे विच जिहड़ा पहलवान हुंदा सी कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई साल मेहनत करदा हुंदा सी। जदों अखाड़े विच जाण दा समां हुंदा सी, ओ पहलवान अखाड़े विच जांदा सी ते दुश्मन दे नाल दो हथ करदा सी, भिड़दा सी, भाव उहदे नाल घुलदा सी। महाराज ने उत्थे उदाहरण दित्ती, वेखो परमात्मा ने किड्डी वड्डी खेड रचाई है। ये जगत एक अखाड़ा है, छिंज है, इहदे विच भेजे हुए जिहड़े जीव ने पहलवान ने। ते महाराज ने कहा भी इहदा संसार विच भेजे हुए जीव पहलवान ने, ते इहदे नाल भिड़न वास्ते माया भी पहलवान है। सतगुरु जी की बाणी जदों असीं पढ़ीए ते महाराज ने उत्थे अंकित कीता है, जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली है। महाराज जी ने इन्हां पंजां वकारां नूं सूर वीर कहा है। ते सतगुरु जी कहिंदे जिहड़ा इन्हां दे नाल भिड़दा है, निरंतर घोल करदा है, असल विच सूरमा उह है, शहीद उह है जिहड़ा अपनी मन की साधना तो उपर उठ गया, मन दे फुरनिया ने जिन्हें संजमता विच लैता, जिन्हें मन की बिरतियां नूं समझ लिया, असल विच सूरमा उह है। मां ने उत्थे लिखिया आपे छिंज पवाए, सतगुरु जी ने लिखिया आपे छिंज पवाए, मलाखाड़ा रचिया लथे पड़थू पाए, गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़, मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप, आप कारज रचिया। जिहड़ा इंसान तैयारी नहीं करता, जिहड़ा इंसान पहलवानी वास्ते मेहनत नहीं करता, वह पहल वह मैदान में जाके ढह ढेरी हो जाता है। तो जिहड़ा इंसान दुश्मन अगे हथियार सुट दे, जिहड़ा इंसान दुश्मन अगे ईन मन लवे, वह फिर सदा वास्ते गुलाम हो जाता है। महाराज जी ने कहा जिहड़ा मनुख पंजां विकारां अगे सिर नवा दिंदा है, फिर वह पंज विकार उस मनुख नूं सारी जिंदगी भटकाई फिरदे ने। सतगुरु जी ने कहा जिवें उदाहरण दित्ती है, महाराज ने कहा इन्हां पंजां विकारां दे उत्ते जित पाउण वाला, पंजां विकारां नूं समझण वाला सूरमा हुंदा है। सतगुरु जी ने कहा एक सप है, आम मनुख जिहड़ा है सप तो बहुत डरदा है,
अगर कोई सप हो ते गुरमुख आम इंसान जिन्हू समझ नहीं है वह सप तो बहुत डरेगा उदे तो बहुत भय खावेगा पर जो ओही सप एक योगी दे हाथ विच आ जाए तो गुरमुख योगी उसनू मंत्र पढ़ के अपने काबू विच कर लैंदा है। यही माया जो आम मनुख कोल आ जाती है फिर ये आम मनुख इस माया दे मगर लग जाता है पर जो यही माया एक गुरमुख दे कोल सूरमे दे कोल शहीद कोल आ जाती है ये जगत की माया वह शहीद अपने मगर ला लैंदा है। सतगुरु जी ने समझाया माया दासी भगतां की कार कमावे जो ये मनमुख दे कोल हुंदी है फिर नागनी बनती है माया होई नागनी जगत रही लपटाए इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। शहीद एक सिद्धांत है शहीद शरीर नहीं है शहीद एक फलसफा है शहीद एक विचारधारा है शहीद एक जोत है शहीद एक रूह है शहीद एक आत्मा है शहीद किसी जात श्रेणी नाल संबंधित नहीं हुंदा शहीद किसी खिते नाल संबंधित नहीं हुंदा शहीद सिर्फ एक काम वास्ते संसार विच आउंदा है। महाराज जी ने बाणी विच लिखिया जन्म मरण दुहू मैं नाही जिहड़ा जम्मण ते मरण दोनों दे विच नहीं जन पर उपकारी आए। जिवें इतिहास की साखी है जिवें कृपा राम की अगवाई दे विच कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब दे कोल चल के आए सन कि पातशाह साडा धर्म खतरे विच है ते सानू जिहड़ा है बचाया जावे औरंगजेब सानू मुसलमान बनाई जा रहा है ते महाराज जी ने उत्थे इको शब्द वरत्या सी सतगुरु जी कहिंदे जाओ कह दिओ औरंगजेब नूं कि जेकर उह सानू मुसलमान बना सके फिर असी सारे मुसलमान बनने वास्ते तैयार। ते गुरमुख उस समय सतगुरु दीन दुनी दे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब भै काहू को देतना सिख ना ते डरदा है ना डराउंदा है सिख का जन्म ही अजूनी साहब भंग तो होया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं जो शहीद कर लगे ते महाराज नूं कहा गया तुसी इस्लाम कबूल कर लो नहीं ते तुहानू शहीद कर दिता जाएगा। ते महाराज ने उते शब्द वरत्या सी मैं भी तेग ते कढ लै तेग तू भी एक दो नी परख लै सो तेगा अज वेख नजारा तेग दी बहादरी दा मेरे सावे नी सकनिया खलो तेगा मैं ता जमदिया तेगा दी शाम आनी वेख पिता दियां पहनिया दो तेगा मेरे पिता दी अणख बहादरी ते रहा परखदा तेरा प्यो तेगा तू भी देखेगा आने वाले भविख अंदर मेरे पोतने वाणिया ओ तेगा ओदी तेग विचों जेड़ी तेग लिखलो लखा लेगी तेरिया खो तेगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने धर्म की खातर हिंद की खातर सतगुरु जी ने अपना बलिदान दिता ते एक अदीब का बड़ा सोहना बोल है वो लिखता है शहीदी के जो आचक हैं वो जीना छोड़ देते हैं खिलौना समझ कर इस जिस्म को फोड़ देते हैं ना ताजो ना तख्तो ना हूरों की हसरत खुदा भी देखेदाई तो उसे वापस मोड़ देते हैं। शहीद की मौत से क्या बेहतर है काबा शहीद की खाग पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। शहीदा दियां थावां दे उते परमात्मा आप झुकदा है कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर फिरे भयो कबीर कबीर शहीद ओ जिसने अपने मन नूं साफ कर लिया पंजां वकारां तों मुक्त हो गया। जदों अजिही अवस्था हासिल हो जाती है फिर सतगुरु जी कहिंदे गुर किरपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी वह परमात्मा विच भेद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु की संगता का क्योंकि प्रिंसीपल गंगा सिंह जी कहिंदे ने कि विद्वान वह हुंदा है जिहड़ा समय विच रहे इस करके बहुत बहुत जितना कुछ समा मिलिया है दास ने अपने समय विच रह के गुरु की विचार की है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु कियां संगतां दा गुरु के
गुरद्वारा साहब की मैनेजमेंट कमेटी का सैकटरी साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, सब तो वह धन्यवाद धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का, जिन्हों की कृपा के सदका आप सरबत संगत के दर्शन करने का सुभाग समा मिले है। आओ एक बार फिर फतेह के नाल सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।